नमस्कार साथियों, बहुत सारे मेंबर्स का ये सवाल था जो कि कल की मीटिंग में पूछा गया। नवीन जी महंता साहब ने पूछा कि रिकॉर्डिंग अपने माइक्रोफोन के थ्रू सीधे मोबाइल में कैसे पॉसिबल है। तो आइए मैं आपको सारे गैजेट्स दिखाता हूँ कि कौन कौन से गैजेट्स यूज़ होते हैं। बेसिकली तो ध्यान रखिए, जैसे कि इंसान को दो वक्त की रोटी चाहिए होती है, ऐसे ही एक बांसुरी वादक को दो चैनल का मिक्सर या कोई स्पीकर चाहिए होता है जिसमें दो चैनल इनपुट के रूप में जा सकते हो, जिसमें एक तो है माइक्रोफोन। तो सारे डिवाइसेस को मैं आपको डिस्प्ले करता हूँ शुरुआत से लेके आखिरी तक, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है। बहुत सिंपल है और हर तरह की बजट की चीज़ें बाज़ार में उपलब्ध हैं, आप ले सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट साउंड के लिए यूज़ कर रहा हूँ दिस माइक्रोफोन, SM58 श्योर कंपनी का ये माइक है। SM58, इसके अंदर ये जो केबल लगी हुई है, ये केबल भी आपको लेना होगी अलग से, इसको कहते हैं XLR to XLR केबल। और जिस पर ये फिट किया हुआ है, ये स्टैंड है, इसको माइक्रोफोन स्टैंड कहते हैं। ये क्लिप के साथ, ये क्लिप अलग से लेना पड़ती है माइक्रोफोन स्टैंड के अलावा। तो ये सारे गैजेट अभी ध्यान रख लिए, SM58 श्योर कंपनी का, XLR to XLR केबल, माइक्रोफोन स्टैंड विथ क्लिप, दिस इज द क्लिप। अब आगे देखिए ये माइक्रोफोन जुड़ा कहाँ जाके है, ये वाले मिक्सर में। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी रिदम और हमारी ट्रैक को कनेक्ट करने के लिए, ये रिदम इधर प्ले हो रही है मेरे इसमें आईपैड में। आप आईपैड की जगह कोई भी डिवाइस ले सकते हैं, पुराना मोबाइल जिसकी स्क्रीन भी टूटी हुई लेकिन ऑडियो प्ले हो सकता है, वो मोबाइल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका आउट मिक्सर में डाल दीजिए। ये इसका आउट जा रहा है मिक्सर में। अब दोनों चीज़ें फ्लूट या वोकल माइक अपना मिक्सर में जा चुका है, ट्रैक भी मिक्सर में जा चुका है। मिक्सर से मोबाइल तक कैसे पहुंचेगा वो दृश्य अब देखिए। मिक्सर का आउट, ये रेड वाली केबल से मैंने मिक्सर का आउट लिया है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट गैजेट जिसका नाम है आईरिग प्री, ये आईरिग प्री और गिटार भी लिखते हैं। इसमें ये वाली केबल होती है जो आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में घुसा देंगे तो सीधे मिक्सर से जो आउट है आपका माइक्रोफोन समेत आपके एंड्रॉयड फ़ोन में चले जाएगा। कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन जिसका कैमरा अच्छा हो और जब जब आप शूट कर रहे हो तब लाइट अच्छी हो आपके चेहरे पर ताकि उसमें नॉइज़ कम आए, वो यूज़ कर सकते हैं। ये पिन जैसे ही आपके एंड्रॉयड फ़ोन में घुसेगी तो माइक्रोफोन से और रिदम की आवाज़ सीधे आपके एंड्रॉयड फ़ोन में आ जाएगी। ऐसे की ऐसे ही सेम टू सेम आप एप्पल फोन्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एप्पल में चूंकि ये वाले पोर्ट आना बंद हो गए हैं अभी, तो उसके लिए पोर्ट दूसरा रहता है, लेकिन आईरिक कंपनी ये जो है ये बेसिकली एप्पल के लिए प्रोडक्ट्स मेन बनाती है और एप्पल वाली पिन फिर आगे लग जाती है जिसे लाइटनिंग केबल कहते हैं, इसकी जगह वो लग जाएगी और सीधे आउट आपके मोबाइल में चला जाएगा। तो आइए एक गीत में, मेरे सैमसंग का मोबाइल है S10, उस पर छोटी सी एक धुन बजा देता हूँ ताकि आपको पता लग जाएगा कि इस माइक्रोफोन से कैसे आवाज़ सीधे उस फोन में घुस गई।